हाउ टू गेट वेरीफाइड ब्लू टिक ऑन ओपनसी अकाउंट। दोस्तों आपने ओपनसी मार्केट प्लेस पर बहुत सारे अकाउंट पर कुछ इस तरीके का ब्लू टिक आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आया होगा, कुछ लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछे थे कि ब्लू टिक कैसे पाएं हम अपने ओपनसी मार्केट प्लेस के अकाउंट पर। तो आइए हम जानते हैं कि ओपनसी मार्केट प्लेस अकाउंट पर ये ब्लू चेक मार्क क्या होता है, जिसे हम वेरीफाइड टिक भी कहते हैं, और इसे पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर हमारे ओपनसी मार्केट प्लेस पर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी है तो कैसे हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे ब्लू चेक मार्क पाने के लिए, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एड एंड स्किल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर अर्निंग, स्किल, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोज मिलती रहती हैं। दोस्तों आपको ओपनसी मार्केट प्लेस पर दो तरह के ब्लू चेक मार्क मिलते हैं, एक आपके अकाउंट पर ब्लू चेक मार्क मिलता है और एक आपके कलेक्शन पर ब्लू चेक मार्क मिलता है। तो आइए हम जानते हैं कि आपके अकाउंट पर ब्लू चेक मार्क लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ओपनसी मार्केट प्लेस पर सक्रिय रहें, यानी कि एक्टिव रहें, और लास्ट 3 मंथ में आपके ओपनसी मार्केट प्लेस पर एक या एक से अधिक NFT खरीदी या फिर बेची होनी जानी चाहिए, और आपके ओपनसी मार्केट प्लेस पर ईमेल वेरिफिकेशन होना चाहिए, और ओपनसी मार्केट प्लेस पर आपके प्रोफाइल पर फोटो लगा होना चाहिए, यानी कि लोगो लगा होना चाहिए। इस तरीके से आपके प्रोफाइल के पीछे एक बैनर भी लगा होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोगो बैनर कैसे लगाया जाता है ओपनसी मार्केट प्लेस पर, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आप किन किन खातों को ओपनसी मार्केट प्लेस पर वेरीफाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें कला है, मनोरंजन है, प्रौद्योगिकी, संगीत, खेल, गेमिंग, समाचार, किसी पर्सन और कंपनी द्वारा बनाए गए आर्ट्स, लोगो डिजाइन। अगर आपका अकाउंट इस कैटेगरी में आता है तो आप भी एलिजिबल होंगे ब्लू चेक मार्क पाने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर किन किन लोगों को ब्लू टिक कभी भी नहीं मिल सकता। ऐसे ओपनसी मार्केट प्लेस पर बने अकाउंट जो जोड़ तोड़ या भ्रामक खरीदी, बिक्री, बोली लगाने और पेशकश करने में संलग्न होने की इच्छा रखते हैं, उनको यहाँ पर ब्लू टिक चेक मार्क नहीं मिलेगा। और ऐसे खाते जो संग्रह बनाते हैं और किसी कॉपीराइट इमेज को यहाँ पर लाके NFT में अपलोड करते हैं या ट्रेडमार्क का उपयोग करते हैं, उनको भी यहाँ पर ब्लू टिक चेक मार्क नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ओपनसी मार्केट प्लेस ने बताया है कि 18 साल की कम उम्र वालों का अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। कोई भी अकाउंट जो ओपनसी की सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है, यानी कि जो भी ओपनसी के रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसी हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका भी अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि कलेक्शन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप एक हाई प्रोफाइल के सार्वजनिक व्यक्ति नहीं है तो आपको अपने ओपनसी के कलेक्शन पर 100 इथेरियम का ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके कलेक्शन में ड्राफ्ट फाइलें मौजूद हों और आपको वहां पर कॉन्टेक्ट जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा अगर आप ओपनसी के कलेक्शन पर इस समय स्पिन ऑफ, श्रद्धांजलि या फिर रिमिक्स कलेक्शन बनाते हैं तो आपका कलेक्शन सत्यापित नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये सब सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको फॉर्म कहां से मिलेगा। ये सबसे पहले यहां पर आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपके सामने सबसे पहले support.opensea.io वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे जितनी भी जानकारी वीडियो में दी वो सारी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर आप स्वीप अप करके सबसे नीचे आएंगे। दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन। यहां पर आपको सबमिट ए रिक्वेस्ट हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपके सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको फॉर्म भरना है। तो यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाता है, एक अकाउंट वेरिफिकेशन और एक कलेक्शन वेरिफिकेशन का। यहां पर आपका जो भी अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको नीचे आएगा एक फॉर्म, इस फॉर्म को फिल कर लेना है। तो यहां पर दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद यहां पर आप सबमिट करेंगे दोस्तों ये सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ओपनसी की जो टीम है वो रिव्यू करेगी आपके अकाउंट को, आपके कलेक्शन को चेक करेगी। अगर उसे लगता है कि आपका अकाउंट या फिर आपका कलेक्शन कोई भी गाइडलाइंस के खिलाफ काम नहीं करता, सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी है, तो दोस्तों आपके अकाउंट या फिर कलेक्शन को वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना।